अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और हम लोगों ने एक बैग भी ढूंढना है, तो 2 दिन हो गए थे बैग अभी ढूंढा नहीं है, तो अभी खाना खाएंगे। एक पाकिस्तानी होटल हमें मिला है जिसका नाम है फैसलाबाद होटल, तो हम फैसलाबाद होटल में वो खाना खाना खाएंगे और उसके बाद फिर बैग ढूंढेंगे। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है लेकिन फिर भी अभी जाना तो है, कुछ शॉपिंग भी करनी है थोड़ी सी, तो फिर आते हैं चलते हैं। About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. ओके थैंक यू, से बाय बाय, से बाय बाय, ओके बाय बाय बाय, थैंक यू। हमने टैची केस ले लिया है, 120 रियाल का मिला है, 150 से शुरू हुआ था, 120 का दिया इस मार्केट में इसने। अब आगे देख रहे हैं क्या मिलता है। अब 2 कुर्सियां चाहिए, ओके 2 चेक करें जरा, एक में खोलें। अरे दानिश ने मुझे याद कराया, इसको कबूतर चौक कहते हैं। यार दानिश तूने यार बड़ा याद रखा है कबूतर चौक को, ये एक चौक है, ये इधर से बिल्कुल स्ट्रेट है गन्ने की जो जूस की दुकान है, और उसको हम ट्राई करेंगे दोबारा से, और उससे थोड़ा सा ही आगे जो है वो सब्जी की दुकान है। तो रश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर इस एरिया में हरम इस साइड पे है, और इस एरिया में जो है वो काफ़ी सस्ते होटल और सस्ते खाने पीने की दुकानें हैं। ये देखिए लोग काफ़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बसेस वगैरह भी चलती हैं, यहाँ से मार्केट को एक्सप्लोर करने लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे हैं। रश आप चेक करें कितना ज़्यादा टिकट है, लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी होटल भी हैं जहाँ से आपको पाकिस्तानी खाना सस्ते कीमत में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें बिरयानी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के सालन होते हैं। ये सोने की दुकान है, दिस इज़ ऑल गोल्ड, ये खाने पीने की दुकानें हैं। ये एक होटल है, बैग मैंने आगे की तरफ डाला हुआ है ताकि चीज़ें वगैरह ना पीछे से कोई चोरी कर ले, इसका भी आप ध्यान रखें, बैग आगे की तरफ डाल के रखें, क्योंकि पीछे अगर आपने बैग लटकाया होगा तो कोई भी जो है वो पीछे से नीचे से बैग काट के तो उसमें से आपकी चीज़ें निकाल सकता है, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट स्टफ हो सकता है, इसमें है पासपोर्ट हो गया और बाकी चीज़ें, तो बैग हमेशा इस स्टाइल में रखें। तो देख रहे हैं आप, मैंने बैग को आगे की तरफ लटकाया हुआ। सोने की दुकानें यहाँ पर, ये सामने सोने की दुकान है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोने की दुकानें, अच्छी क्वालिटी का सोना आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत बड़े बड़े सेट ये बेच रहे हैं सोने के। तो हम लोग आगे मार्च करते हुए जा रहे हैं, मार्केट आपके सामने ही है, ये थोड़ी चीप जगह है, यहाँ पर सस्ती चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये सोने की फिर एक दुकान आ गई है जो कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें सारा सोना बेच रहे हैं, और हम लोग आगे जाते हैं। ये कुरान है, स्पीकर कुरान है, ये आप ख़रीद के इसमें कुरान की पूरा कुरान इसमें मौजूद है, ये आप सुन सकते हैं। ये भी एक और स्पीकर कुरान है, और ये किसी को गिफ्ट देने के लिए काम आ सकता है। ये भी डिफरेंट किस्म के स्पीकर्स हैं जिस पे कुरान आप जो है ना वो उस सुन सकते हैं तर्जमे के साथ। इसकी प्राइस पूछते हैं अभी क्या है। ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, इसमें सारे फीचर्स हैं।
ये सारी परफ्यूम्स पड़ी हुई हैं नीचे, और ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर ये कुछ लकड़ी डालते हैं और इसको जलाते हैं, ये यानी कि यहाँ पर बिजली से लगाएंगे तो ये हीटअप होके तो जो लकड़ी इसके अंदर डली होगी वो बर्न होगी और उससे हर जगह की जो है ना वहाँ पे स्मेल उस लकड़ी की फैल जाएगी। फिर बिल्लियां भी फिर रही हैं, देखे लोग कैसे यहाँ जमीन पे बैठे हुए हैं और बड़े बड़े मजे से जो है ना वो खाना शाना और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और मौसम भी अच्छा हो गया इस वक्त तो, काफी ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, ऐसी गर्मी नहीं, सुबह को गर्मी थी लेकिन अब अच्छा मौसम हो गया। बिल्लियां भी बैठी हुई हैं, लोग भी बैठे हुए हैं, काम चल रहा है हमारा। देखें जरा अल्लाह की रहमत कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे नबी पाक की वजह से यहाँ पर लोग आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से और उमरा और हज करते हैं। यहाँ का मंजर ही कुछ और है, किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में ऐसा मंजर आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर इतनी आवाम इकट्ठी आती है। और ये आप ज़रा चेक करें कितना रश है यहाँ पर, जब वीडियो बनानी शुरू किया हमने तो बिल्ली भाग गई है, बिल्ली आ चुकी है दोबारा, दानिश उसको तंग आ रहा है। आजा 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 बाहर, ये बिल्ली है और ये बिल्ली साहिबा जो है वो दानिश के साथ खेल रही है।